हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फ्री मेडिसिन एडवाइस चैनल और मैं हूं आपका दोस्त प्रकाश कुमार। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आज इस इट्रोस्ट्रेट जेल के बारे में, जो कि बहुत ही बेहतरीन, अगर आपको फंगल इन्फेक्शन हो गए हैं तो ये क्रीम आपके लिए बहुत ही बेहतरीन होने वाली है। तो अगर आपको फंगल इन्फेक्शन या फिर दांत खाज खुजली की समस्या है तो आप इस वीडियो को जरूर देखें। तो दोस्तों, आइए जानते हैं इट्रोस्ट्रेट जेल के बारे में, ये कौन सी ब्रांड की बनाई हुई प्रोडक्ट है, इसकी एमआरपी क्या है, इसके अंदर कौन कौन से मॉलिक्यूल का इस्तेमाल किया गया है इसके बारे में, और इसके यूज क्या है इसके बारे में। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जानेंगे कि ये कौन सी ब्रांड की बनाई हुई प्रोडक्ट है। तो दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे कि ये लिफोर्ड की बनाई हुई प्रोडक्ट है, लिफोर्ड हेल्थ केयर की बनाई हुई बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है। और इसके अंदर जो मॉलिक्यूल का इस्तेमाल किया गया है, जो कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल किया गया है, जो कंपोजिशन का इस्तेमाल किया गया है, वो है इट्राकोनाजोल। दोस्तों, इसमें इट्राकोनाजोल 1% होती है। और दोस्तों, इसकी एमआरपी जो है ये 85 रुपीज है 15 ग्राम की। यही एक बहुत ही बेहतर चीज है, क्योंकि मैंने एक और इट्राकोनाजोल जेल के बारे में बताया था, जो कि आइटम प्लस क्रीम एक था वो, और एक ये जो है प्लेन आइटम 1% क्रीम, ये भी 15 ग्राम की ही पैक में आती है, लेकिन इसकी एमआरपी 120 रुपीज है, यानी कि इससे लगभग 40 के आसपास, 35 रुपीज इससे ज्यादा है उसकी एमआरपी, और ये भी 15 ग्राम की ही पैक में आती है। तो इसलिए मैं आपको इस जेल के बारे में बता रहा हूं, क्योंकि इसकी एमआरपी भी 85 रुपीज है और बेस्ट ब्रांड की ये बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट है। अगर आपको दांत खाज खुजली की समस्या या फिर फंगल इन्फेक्शन हो गए हैं तो आप इस जेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको ये जेल नहीं मिलती है तो आप इस जेल को ले आइटम 1% क्रीम को, क्योंकि दोस्तों इसकी एमआरपी थोड़ी सी ज्यादा है और क्वांटिटी जो है वो सेम हमें मिल रही है। तो हमें चाहिए कि हमें बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट चाहिए, दोनों ही बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट हैं। तो आपको इसमें 35 रुपीज की बचत भी हो जाएगी और जो आपको फंगल इन्फेक्शन या फिर दांत खाज खुजली की समस्या है वो भी आपकी ठीक हो जाएगी। तो दोस्तों, अगर आपको इट्राकोनाजोल जेल लेना है मेडिकल स्टोर से तो आप वहां पे जाकर बोले कि हमें बेस्ट क्वालिटी की, बेस्ट कंपनी की इट्राकोनाजोल जेल दें, जो कि कम से कम एमआरपी की हो, क्योंकि मुझे एमआरपी से कोई मतलब नहीं है। एमआरपी हमारी कम भी रहेगी तो चलेगी, पर क्वालिटी जो है वो बेस्ट होनी चाहिए। तो इसकी क्वालिटी भी बेस्ट है और इसकी जो एमआरपी है वो भी बहुत ही बेहतरीन है, और जितने भी इट्राकोनाजोल जेल आते हैं उनकी एमआरपी से इसकी एमआरपी कम है। तो दोस्तों, अगर आपको दांत खाज खुजली की समस्या है या एक्जिमा हो गए हैं तो आप इस क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आपको फंगल इन्फेक्शन हो गए हैं, फंगस हो गए हैं, तो उस स्थिति में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, इसका इस्तेमाल जब भी आप करें तो ध्यान रखें कि जहां पर भी आपको फंगल इन्फेक्शन हो चुके हैं वहां पर आप अच्छी तरह से साफ कर लें उस जगह को, उसके बाद ही आप इस जेल का इस्तेमाल करें। दोस्तों, अगर आप इस जेल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप इसका इस्तेमाल 2 टाइम करें, सुबह और शाम, यानी कि आप इसका इस्तेमाल 2 टाइम कर सकते हैं। दोस्तों, आइए जानते हैं कि इसका इस्तेमाल कब नहीं करना चाहिए। तो अगर आपको इट्राकोनाजोल कॉम्बिनेशन से आपको एलर्जी है तो आप इसका इस्तेमाल न करें, या फिर अगर आप प्रेग्नेंट है तो भी आप इस जेल का इस्तेमाल न करें, या फिर इसके इस्तेमाल से पहले आप अपने डॉक्टर की सलाह लें फिर आप इसका इस्तेमाल करें। दोस्तों, आइए जानते हैं इसके साइड इफेक्ट के बारे में। तो अगर आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं और आपकी जो एलर्जिक कंडीशन है, यानी कि खुजली की समस्या है, वो अगर बढ़ जाती है तो आप इस जेल को तुरंत बंद कर दें और डॉक्टर की सलाह के बाद ही फिर आप इसका इस्तेमाल करें, या फिर इस जेल के इस्तेमाल के बाद आपके स्किन पे रेडनेस की समस्या आती है तो भी आप इस जेल को तुरंत ही बंद कर दें और अपने डॉक्टर की सलाह के बाद ही आप इस जेल का इस्तेमाल करें। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि इसके अंदर किस प्रकार की ट्यूब होती है। तो इस जेल के अंदर में इस प्रकार की ट्यूब होती है, जो कि बेहतरीन है, और प्लास्टिक की ट्यूब है तो बहुत ही अच्छी है टीन के ट्यूब से। तो इस प्रकार की इसके अंदर जेल होती है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को आप लाइक करें और इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि ज्यादा लोगों को इसकी जानकारी पहुंच सके। और अगर आप इस चैनल के ऊपर पहली बार आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल का बेल आइकन जरूर दबाएं। दोस्तों, इस वीडियो को अंतिम तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ मंगलमय हो। धन्यवाद दोस्तों।